Hello dear students, your Aradna, ma'am with new topic from plus 2 political science Contemporary South Asia, South Asia and the Contemporary World uh, Before discussing about the South Asia, let's discuss about South Asia What is South Asia? This usually South Asia comprises of these countries सबसे बिग कंट्री है साउथ एशिया में दैट इज़ इंडिया बाकी जो हैं छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं लेट्स बिगिन फ्रॉम द ईस्टर्न साइड ये साउथ एशिया में काउंटर नहीं होता म्यानमार साक में साक है साउथ एशिया की एसोस साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। उसमें म्यान्मार नहीं है बट कुछ मामलों में इंक्लूड करते हैं बट मेजर जो कंट्रीज़ हैं वो साउथ एशिया में साक में जो हैं वो है इंडिया नेपाल भूटान बांग्लादेश श्रीलंका पाकिस्तान एंड अफग़ानिस्तान और हमारी स्क्रीन में विजिबल नहीं यहाँ पे है आपका क्या मालदवीप्स हाँ नाउ इट्स विजबल मालद्वीप्स ओके ये मालदीप्स साथ में ये है साउथ एशिया ये साउथ एशिया में आते हैं कंट्री अब आज ये हम लोग देख लें साउथ एशिया जो है कंप्राइज ऑफ द कंट्री का साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्री इंक्लूड हैं वी हैव डिस्कस बंग्लादेश भूटान ओके दिस इज़ भूटान दिस इज़ बंग्लादेश इंडिया तो है ये बिग सबसे बिग कंट्री और ये है मालद्वीप्स लक्षद्वीप के साथ है हमारे और ये है नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका और अब अफग़ानिस्तान भी है ओके ये है हमारे साउथ एशिया में और इसके नॉर्थ की तरफ जो है वो माइटी हिमालय हैं ठीक है ये साउथ एशिया के नॉर्थ की तरफ है हिमालयस और साउथ की तरफ़ है इंडियन ओशन सारा आपको पता है यहाँ पे है वास्ट इंडियन ओशन और वेस्ट की तरफ है अरेबियन सी ये है वेस्ट और इधर है अरेबियन सी ओके अरेबियन सी ओके वेस्ट की तरफ कौन सा सी है अरेबियन मेमोराइज़ कर लीजिए विद डायरेक्शन बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते गुजरात की तरफ है वेस्ट डायरेक्शन और बंगाल की तरफ है ईस्ट डायरेक्शन और इधर है बे ऑफ बंगाल बंगाल की तरफ है बे ऑफ बंगाल ओके okay, बेटा जी गेटिंग माई थिंक दिस इज़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट साउथ एशिया साउथ में है इंडियन ओशन नॉर्थ में है माइटी हिमालयस ओके नॉर्थ में हिमालय साउथ में इंडियन ओशन वेस्ट में है अरेबियन सी और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल हो गया क्लियर अब आगे चले यहाँ पे जो है वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड नेचुरल यहाँ पे जो है नेचुरल रीजन है वेस्ट और ईस्ट की तरफ से लैंड और यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स यहाँ पे लैंग्वेज लिंग्विस्टिक सोशल कल्चर डिस्टिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर वराइटी ऑफ कल्चर अकेले इंडियन का ही पहले आप देख लो एक पूरा कॉन्टिनेंट है जितनी डाइवर्सिटी इंडिया में इंडिया अपने आप में ही एक सब कॉन्टिनेंट है जितनी यहाँ पर लैंग्वेज सोशल कल्चर यू कैन से रिलीजन की है तो इस पूरे रीजन में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलती है इसलिए ये सब कॉन्टिनेंट है बाउंड्री जो है रीजन की नॉट एज़ क्लियर एज इन द ईस्ट और वेस्ट ईस्ट में तो आपको पता है कि यहाँ पे कंट्रीज ओके दे आर इन द नॉर्थ एंड साउथ बाउंड्री ऑफ रीजन आर नॉट एज क्लियर इन द ईस्ट एंड वेस्ट एज दे आर इन नॉर्थ एंड साउथ ये देखिए जी आपको नॉर्थ में तो हिमालय हो गए बाउंड्री क्लियर साउथ में इंडियन ओशन हो गया बट यहाँ पे कंट्रीज़ के आपस में क्या है बाउंड्री को लेकर ठीक है ये मेरा रीजन है ये मेरा है लाइक दैट क्लियर नहीं है बाउंड्री कंट्री के साथ सटी हुई हैं जुड़ी हुई हैं अफगानिस्तान और म्यांमार आर आफ्टर इन द डिस्कशन मैंने बोला ना कि म्यानमार भी डिस्कशन में बस पार्ट नहीं है अब अफग़ानिस्तान में तो पार्टिसिपेट कर रहा था तालिबान के आने से पहले अब तालिबान है वहाँ पे ठीक है गवर्नमेंट हट गई उससे पहले ये साग की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते थे पा यहाँ पर अफग़ानिस्तान हम लोग करेंगे अफ़ग़ानिस्तान और म्यन्मार जो है ये डिस्कशन में इंक्लूड करते हैं चाइना इम्पॉर्टेंट प्लेयर सबसे ज़्यादा देखो जी साउथ एशिया में है नहीं है चाइना बट सबसे इम्पॉटेंट प्लेयर यहाँ पे बैठा ऊपर में चाइना है आपको पता होगा कि किस तरह से श्रीलंका को अपने हाथों में रहा पाकिस्तान की फ्रेंड कह रहा है मेरे को पाकिस्तान की सबसे बड़ा फ्रेंड ये है चाइना ऊपर साउथ एशिया का पार्ट नहीं है बट सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर है यू कैन से ओके चाइना इज़ द इम्पॉर्टेंट प्लेयर ऑफ क्या है साउथ एशिया पाकिस्तान का फ्रेंड है है ना पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया इकोनमी पाकिस्तान ने चीन आ, उसको अक्साई चीन ऊपर गिफ्ट दे दिया पूरी रोड इधर से उसने बनाई हुई है और श्रीलंका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पे ठीक है नेपाल के ये है कि इंडिया पावरफुल ना बन जाए इसलिए यहाँ पे पावर जो है ब्लॉक यहाँ पे पावरफुल कंट्री चाइना अमेरिका अपना कुछ ना कुछ ये आ, पार्ट प्ले करते रहते हैं ठीक है चाइना इम्पॉटेंट प्लेयर है बट वो साउथ एशिया का क्या है पार्ट नहीं है फिर भी चाइना जो है हर नेबरिंग कंट्री में टांग घुसाए बैठा है इंडिया के ठीक है कि इंडिया पावरफुल ना बन जाए डिस्टर्ब कर सिर्फ़ भूटान में नहीं है चाइना का क्योंकि हमारी बिलिट्री अब आगे आज ये जी ये जो है साउथ एशिया जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ओके बट एक जियोग्राफिकल और पोलिटिकल ये स्पेस जो है यहाँ पे कंसिडर किया जाता है अब है वेरियस कंट्रीज़ जो हैं साउथ एशिया में क्या है सेम काइंड का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है अब देखो जी इंडिया में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इंडिपेंडेंस के बाद ही हमारे डेमोक्रेसी है बट बाकियों में नहीं है ठीक है प्रॉब्लम्स रही हैं श्रीलंका में ओके श्रीलंका का मैं आपको बता देती हूँ आपको पता है दो कम्युनिटी टेंथ में पावर शेयरिंग चैप्टर हमने किया है वेरी सुन आई विल डिस्कस दैट टेंथ में भी हमने वहाँ पे दो कम्युनिटीज़ हैं श्रीलंका में तमिल्स एंड सिन्हालाके सिन्हला ओके okay. अब ये मजॉॉरिटी में है सिन्हला तो पाकिस्तान सॉरी श्रीलंका ने मजोरिटी गवर्नमेंट बनाई और इनको सप्रेस किया ठीक है बौद्ध रिलीजन इनका था बौद्ध रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया सिन्हली लैंग्वेज को ऑफिशियल रिलीजन मोर ओवर यही कहा गया कि गवर्नमेंट जॉब में भी सिन्हला को प्रेफर, प्रेफरेंस दी जाएगी तमिल को कहाँ कंट्री छोड़ दो तो, इसी लिट्टे लिट्टे जो था ठीक है लिब्रेशन इलम तमिल टाइगर ठीक है लिट्टे जो था ये फोर्स में आया ये क्या एग्जिस्टेंस में आया इसके लिए श्रीलंका का ही सिस्टम दोषी है सिविल वॉर जो हुई ओके इंडिया ने इसको सप्रेस किया हेल्प की श्रीलंका की ओके okay, सक्सेस अब श्रीलंका और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बड़े अच्छे रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद से दोनों ब्रिटिशर्स के अंडर थे ब्रिटिश रूल के अंडर थे हमने लिमिटेशन ऑफ इंडिया इंडिया ने हर तरह से कोशिश की है क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम हो एक्जिस्टेंस हो एक क्या एक ट्रू सेंस में एक फ्रेंड की तरह श्रीलंका की हमेशा हेल्प की है वी विल डिस्कस इन डिटेल ओके okay, आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश वहाँ पे मिलिट्री रूल भी रहा है सिविलियन पाकिस्तान में तो मिलिट्री ही मेन समझ लो पावर में है चाहे वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए मेन रोल वहाँ पे मिलिट्री ही प्ले करती है बट बांग्लादेश शुरू में मिलिट्री थी अब डेमोक्रेसी है वहाँ पर या पे जो है पाकिस्तान कोल्ड वॉर पीरियड में सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है क्या है बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ की ओके okay. फिर मिलिट्री कूप मिलिट्री ने मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाइनटीन नाइन्टी नाइन में और यहाँ पे जो है सिविलियन यहाँ पे गवर्नमेंट रही है टू थाउजेंड एट में अब ये जो है नेपाल टू थाउजेंड सिक्स में कॉन्स्टिट्यूशनल मनाकी रही है नेपाल में ठीक है पहले तो था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मनाकी नहीं किंग वॉज अबव द क्या कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा था बट अब कॉन्स्टिट्यूशनल मनाकी अब जो है एग्जीक्यूटिव पावर टू थाउजेंड में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और मनाकी जो थी राजा का रूल अबॉलिश हो गया और नेपाल जो था एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया अब यहाँ पे जो है बांग्लादेश और नेपाल जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है डेमोक्रेटिक कंट्री रहे हैं शुरू में बांग्लादेश में मिलिट्री रही है वो डिस्कस करेंगे अब भूटान आ जी ये जी ये स्मॉलेस्ट है टू स्मॉलेस्ट ठीक है सिमिलर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द टू स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द रीजन दो स्मॉलेस्ट कंट्री हैं इस रीजन की यहाँ पे बैठा है भूटान और यहाँ पे साइड पे क्या है मालदीप्स ओके okay, ये ऊपर है भूटान ये मालदीव्स दो छोटे हैं कंट्री और यहाँ पे जो है टू थाउजेंड भूटान में तो पूरा समझ लो इंडिया का ही डिफेंस है मिलिट्री है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया के भूटान में कॉन्स्टिट्यूशनल मुनाकी है बट इंडिया और भूटान की एक है स्ट्रेटजी बहुत प्रोफाउंड यू कैन से फ्रेंडशिप है अब मालदीव्स जो है एक आइलैंड नेशन है यहाँ पे सल्तनत 1968 तक रही है फिर रिपब्लिक गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट रही डेमोक्रेटिक अब जून 2005 में वहाँ पे पार्लियामेंट्री ठीक है पार्लियामेंट जो है मालदीव की वोटेड यूनानिमसली उन्होंने वोट किया है मल्टी पार्टी सिस्टम है और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ पे आई है डोमिनेट किया पॉलिटिकल सिस्टम को मालदीव में भी आपने देखा होगा कि चाइना का पूरा मैंने कहा ना साउथ एशिया का पार्ट नहीं है बट पूरा का पूरा एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बना हुआ है अब मालदीप में भी एंटी इंडियन डेमोन्स्ट्रेशन चलते रहे पीछे चाइना था उसके पीछे कि इंडिया की जो कहो रोप रुतबा इम्पॉर्टेंस कम हो और अपनी हो ठीक है अब आज ये जी मिक्स रिकॉर्ड रहा है डेमोक्रेसी का एक्सपीरियंस किया है यहाँ के लोगों ने शेयर किया एस्पिरेशन और डेमोक्रेसी uh, के लिए रीसेंट सर्वे जो है एटीट्यूड ऑफ द पीपल इन द फाइव बिग कंट्री यहाँ पे रीजन शो करे वाइड सप्रेड स्पोर्ट है ठीक है डेमोक्रेसी के लिए ये बीच में हमने दिया हुआ है चेक कर लीजिएगा पूरा का पूरा अपनी बुक में भी और ओके बेटा नाउ मूविंग डिस्कसिंग द नेक्स्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं ऑर्डनरी सिटीजन एज वेल एज रिच और पुअर जो है डिफरेंट रीजन की हैं डेमोक्रेसी uh, के लिए पता है पॉजिटिव हर ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ पे कहीं पे भी रहते कोई भी सिटीजन जो है वो डेमोक्रेसी कोई प्रेफर करेंगे डिक्टेटरशिप को नहीं कोई सपोर्ट करें रिप्रेजेंटेटिव uh, इंस्टीट्यूशन को द प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर द डिक्टेटरशिप या एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्योंकि हर कंट्री के लिए सिग्निफिकेंट और सूटेबल वही है इसी से जो है कॉमन पीपल की सपोर्ट और कंट्री जो है प्रॉस्प्रस बनता है साउथ एशिया ने डेमोक्रेसी जो है एक्सपीरियंस की है ग्लोबल इमेजिनेशन है हमारी डेमोक्रेसी को लेकर ये पूरा डाटा है किस तरह कैसे स्टडी कर लीजिए वी विल डिस्कस अप टू दिस ओके You have to check this one also. Up next period uh, video me. Okay. In our next video, we will discuss the South Asian country one by one. Very first you have seen we will discuss about the Pakistan. That's all from your Aradhna, ma'am. I hope you understood each and everything about South East. Each and everything to hum country wise karenge. Just uh, introductory part of South Asia. You have understood. But still you have any problem. Send me your problem in comment section. Okay. But before leaving again I want to remind you please like, share and subscribe to my channel Learning with Aradhna, ma'am that's all from your aradhna ma'am wait for the next video